राजधानी रांची में विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर राजधानी रांची सहित पूरा झारखंड उत्साहित है, तो वहीं टूर्नामेंट के दौरान कोई कसर न रह जाए इसे लेकर भी लगातार तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंगलवार को इस पूरे टूर्नामेंट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई रिव्यू मीटिंग के बाद आज रांची उपायुक्त और एसएसपी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला झारखंड वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 राजधानी रांची के एस्ट्रो ट्रफ स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट की तैयारी में कोई कसर न रह जाए इसे सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त और एसएसपी रांची की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक की जानकारी देते हुए उपायुक्त रांची ने बताया कि 27 तारीख से लेकर 5 तारीख तक होने वाले इस मुकाबले में 6 देश की टीम पार्टिसिपेट करेंगे। इस टूर्नामेंट की तैयारी काफी दिनों से चल रही है, मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा की है। अब माइक्रो लेवल पर इसकी तैयारी की जा रही है, समितियां बनाई गई हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सभी टीमों के लिए नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। सभी अधिकारियों को स्टेडियम का दौरा कराया जाएगा और किन चीजों को व्यवस्थित करना है, साथ ही टीमों के साथ हॉकी इंडिया के अधिकारियों के साथ कैसे समन्वय स्थापित हो इसे लेकर भी तैयारी की गई है। सत्ताईस तारीख से लेकर 5 तारीख तक विमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 देशों की टीमें यहाँ पर आ रही हैं और उनके इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही है। और कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसकी समीक्षा की थी, काफ़ी सारे दिशा निर्देश दिए थे, तो उसी दिशा निर्देशों के आलोक में जिला स्तर में भी हम लोगों ने काफ़ी उप समितियाँ बनाई हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग जिम्मेवारियाँ दी हैं, ट्रांसपोर्ट टीम, प्रोटोकॉल टीम, फूड एंड स्नैक्स अरेंजमेंट टीम, सिक्योरिटी टीम, आईटी टीम वगैरह, सभी टीमों के लिए हम लोगों ने नोडल पदाधिकारी बनाए हैं और उन सभी को काफ़ी सारी जिम्मेवारियाँ भी इंगित करा के रखी गई हैं। इसके बाद सभी अधिकारियों को हम लोग स्टेडियम का दौरा करवाएंगे और वहाँ पर क्या क्या उनको किए जाने हैं, कैसे उनको लाइजनिंग करना है सभी टीमों के साथ और हॉकी इंडिया के अन्य कार्यक्रमों के साथ, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। क्राउड कंट्रोल कैसे करना है, कैसे गाड़ियों की पार्किंग करानी है, जितने भी लोग आते हैं उनकी सुरक्षा कैसे ख्याल रखना है, जो गाड़ियों से लोग आएंगे टीम आएंगे उनका MVI, उनका सिक्योरिटी जांच कराना, उनके होटल एकोमोडेशन में उनके लिए सारे लॉजिस्टिक्स को अरेंज करके रखना, जब वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आती है तो यहाँ पे जितने भी पानी इत्यादि से संबंधित अरेंजमेंट्स होता है वह, बाहर की ब्रांडिंग्स, उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर अरेंजमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज़, उनको दिया जाने वाला भोजन इत्यादि सभी चीज़ों की बहुत ही माइक्रो प्लानिंग करी जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।